हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुस्कान, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक फेयरनेस क्रीम के बारे में फुल डिटेल। वो फेयरनेस क्रीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। सब लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बेनिफिट्स और उसके साइड इफेक्ट्स जानना चाहते हैं कि ये क्रीम हमारे फेस पर बेनिफिट्स देगा कि नहीं, हमें गोरा करेगा कि नहीं। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे फेस पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, हमारा फेस और ज़्यादा काला तो नहीं हो जाएगा? आज इस वीडियो में मैं पूरा फुल कवर करने वाली हूँ इस क्रीम को कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है, इसके क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैं जिस क्रीम की बात करती थी वो है ये क्रीम। इस क्रीम का नाम है स्किन साइन क्रीम। इसका जो काम है, लोग इसको एज अ गोरा होने के लिए यूज करते हैं, वो सही तरीका है कि नहीं यूज करने का, इस क्रीम को यूज करने का लोग गोरे होते हैं या नहीं, फुल डिटेल में कवर करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है स्किन साइन के नाम से, इसको कई लोग यूज़ कर रहे हैं और इसके बारे में कई लोग रिव्यू जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये किन चीज़ों को मिला के बनाया गया है और इसके इंग्रेडिएंट क्या है, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए थोड़ा बहुत कि ये हमारे फेस पर किस तरीके से वर्क करने वाला है। ये जो क्रीम है, ये तीन इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है। वो तीन इंग्रेडिएंट क्या है, उसमें से पहला है हाइड्रोक्विनोन, दूसरा है मोमेटासोन, तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है ट्रेटिनोइन। तीनों इंग्रेडिएंट का हमारे फेस पर क्या काम होता है, ये किस तरीके से हमारे फेस पर वर्क करते हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट मिलके हमारे फेस से दाग धब्बों को, जो हमारे फेस पर काले काले निशान हो जाते हैं, सन टैन हो जाता है हमारे फेस पर, हमारा फेस जो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, डार्क टोन का हो जाता है धूप की वजह से, और हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा झाइयाँ होती है, पिगमेंटेशन होता है हमारे फेस पर, कट के निशान होते हैं, उन सबको प्रिपेयर करता है, उन सबको बहुत ही अच्छे से ठीक करता है। अब ये हमारे फेस को गोरा करता है या नहीं वो मैं बता देती हूँ। तो इसके अंदर जो एक इंग्रेडिएंट है, जैसे कि हाइड्रोक्विनोन, ये इंग्रेडिएंट हमारे फेस पर गोरा होने का काम करता है। जो ये इंग्रेडिएंट हमारे फेस को गोरा करता है, ये हमारे फेस से मेलानिन को कम करने का काम करता है। तो ये हमारे फेस से जब मेलानिन को कम करता है तो हमारा जो फेस है वो वाइट दिखने लगता है, गोरा दिखने लगता है। बट इसका रिज़ल्ट लंबे समय तक रहता है या नहीं, पहले आप ये जान लीजिए। तो इसका रिज़ल्ट लंबे समय तक नहीं रहता है, जब तक आप इस क्रीम को यूज़ करते रहेंगे तब तक ये आपके फेस पर आपके फेस को गोरा दिखाता रहेगा। पर जब आप जिस इस क्रीम को यूज़ करना जैसे ही छोड़ देंगे, आपका जो स्किन टोन है फिर से नॉर्मल हो जाएगा। बट ये बात सच है कि जब आप इस क्रीम को यूज़ करना शुरू करते हैं स्टार्टिंग में, तो ये आपके फेस पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाता है, बट धीरे धीरे करके ये आपके फेस को धीरे धीरे करके डैमेज करता जाता है। ये बात भी सही है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये कहा है कि इसके आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे, बट इसके साइड इफ़ेक्ट सच में होते हैं। और ये हमारे फेस से दाग धब्बों को और कैसे दूर करता है, हमारे फेस से पिगमेंटेशन को कैसे दूर करता है और हमारे फेस को गोरा कैसे बनाता है, पहले आप वो जान लीजिए। तो इस क्रीम को जब अपने फेस पर अप्लाई करते हैं आप, तो ये हमारे फेस को पील करता है, हमारे फेस का जो लेयर होता है उसको हटाता है, हमारे फेस से स्किन छूटने लगती है जब आप इसको यूज़ करते हो। तो इससे क्या होता है, जब हमारा जो फेस होता है उसका फर्स्ट लेयर होता है वो उतरता है, फिर आप इसको यूज़ करते हो फिर हमारे फेस का लेयर उतरता है। इससे जो हमारा ये जो ऊपर का लेयर होता है ना, हमारे फेस का जो डार्क कलर का होता है, ये हटता है। तो ये हमारा क्या होता है ना, एकदम न्यू बेबी हमारा स्किन होता है, तो हमारा जो फेस है ना वो काफ़ी वाइट दिखने लगता है, ब्राइट दिखने लगता है, हम फेयर दिखने लगते हैं। बट फिर से अगर आप इस क्रीम को यूज़ करना छोड़ देते हैं तो आपका जो स्किन टोन है एकदम नॉर्मल हो जाता है, पहले जैसा हो जाता है। बट ये है कि आपके फेस से दाग धब्बों को दूर करता है, बात सही है, पिगमेंटेशन को दूर करता है पर बहुत हद तक नहीं दूर करता। अगर आपके फेस पर बहुत स्ट्रांग वाली झाइयाँ हैं तो वो आपके फेस से ये दूर नहीं करेगा, बट थोड़े मोड़े जैसे दाग धब्बे होते हैं उसको ये अच्छे से दूर कर देता है, आपके फेस पर फेयरनेस देता है, बट लिमिट टाइम तक, जब तक आप इसको यूज़ करते रहेंगे तब तक ये आपके फेस पर फेयरनेस देगा। बट जब आप इसको यूज़ करना छोड़ देंगे तो फिर से आपका स्किन टोन पहले जैसा हो जाएगा। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हो तो भी आपके फेस को डैमेज कर देगा, और गोरा करने का एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपके फेस को और ज़्यादा काला करता जाएगा। तो जो इसके पॉपुलर साइड इफ़ेक्ट्स है वो ये है कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना आपके फेस पर, इस साइड पर आपका फेस बहुत ज़्यादा रेडनेस होना आपके फेस पर, इचनेस होना आपके फेस पर, आपका फेस रेड हो जाना और ज़्यादा डार्क हो जाना, ये सब आपके फेस पर देखने को मिलता है इसके साइड इफेक्ट। जब आपको इसके साइड इफेक्ट्स होने लगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस क्रीम को लगाना एकदम डायरेक्टली आपको नहीं छोड़ना है, आपको इसको ना क्या करना है, पहले आप जैसे डेली लगाते थे तो आपको एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना है, फिर दो दिन छोड़ के एक बार लगाना है, फिर तीन दिन छोड़ के एक बार लगाना है, हफ्ते में एक बार लगाना है, फिर 15 दिन पर एक बार लगा ले, 15 दिन के बाद एक बार लगा ले, फिर महीने में कभी एक बार लगा ले। इस तरह आपको धीरे धीरे इसका डोज कम करना है ताकि आपके फेस पर डायरेक्टली इफेक्ट ना पड़े और आपका फेस और ज़्यादा डैमेज ना हो। हमें अपने फेस को ठीक करना है और ज़्यादा डैमेज नहीं करना है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो इसका यूज़ करने का सही तरीका ये है कि आपको अपने क्लीन फेस के ऊपर इसको सिर्फ और सिर्फ नाइट में अपने फेस पर अप्लाई करना है, और वो भी बहुत ही कम क्वान्टिटी में,
में अप्लाई करना है, बहुत ही कम क्वांटिटी में अपने फेस पर अप्लाई करें, वरना आपको बहुत जल्दी साइड इफेक्ट्स अपने फेस पर देखने को आपको मिल सकते हैं। इसको लगा के धूप में नहीं जाना है, दिन में तो आप बिल्कुल भूल कर भी इसको ना लगाए चाहे कुछ भी हो जाए, और रात को भी आप लगाएं तो सुबह जब आप धूप में जाएं तो उससे पहले अपने फेस पर सनस्क्रीन लगा लें, और आपको जब इसको लगाना है तो अगले दिन आपको अपने फेस पर मॉइस्चराइजर बिल्कुल अच्छे से अप्लाई करना है। इसका प्राइस आपको 147, 149, 150 के अराउंड आपको हर दुकान पे अलग अलग प्राइस मिल जाएगा। आपको मेक श्योर करना है कि आपको ओरिजिनल ही लेना है, लोकल आपको नहीं लेना है। आप अच्छे शॉप से ले, अगर आप ऑनलाइन भी परचेज कर रहे हैं तो आप एक अच्छे जगह से परचेज करें। अगर आपको ओरिजिनल क्रीम का लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय गाइस।